नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल कारपोर्ट हिंदी के एक नए वीडियो में। दोस्तों, आप अक्सर मुझसे एक सवाल पूछा करते हैं कि हम कार को कंटिन्यू कितना किलोमीटर चला सकते हैं। कुछ ऑल्टो 800 वाले हमारे मित्र हैं, कुछ ऑल्टो K10 वाले हमारे मित्र हैं। तो आज का जो वीडियो है दोस्तों, इसमें मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि आप अपनी कार को कितना किलोमीटर चलाने के बाद रेस्ट दें। और ऐसा नहीं है दोस्तों कि ये जो मैं बता रहा हूँ आपको, ये ऑल्टो 800 या K10 के लिए, सभी कार के लिए। देखिए दोस्तों, मैं आपको बता दूँ कि अगर आप ये सोचते हैं कि ज़्यादा कंटिन्यू गाड़ी चलाने से इंजन पे कुछ असर पड़ेगा, तो आप गलत सोचते हैं। देखिए, गाड़ी को कंटिन्यू हाई स्पीड में चलाने से थोड़ा बहुत जो है इंजन में, जो इंजन के पार्ट्स होते हैं उनमें फ्रिक्शन होता है, बाकी इंजन में कोई ख़राबी नहीं आ सकती। और सबसे ज़्यादा जो दिक्कत आती है दोस्तों, वो आती है कूलिंग की। लोग सोचते हैं कि गर्मी के मौसम में हम कंटिन्यू गाड़ी को 400 किलोमीटर 500 किलोमीटर चला पाएंगे या नहीं चला पाएंगे, इंजन में कोई इशू तो नहीं होगा, इंजन हीट तो नहीं होने लग जाएगा। तो मैं आपको थोड़ा सा बोनट ओपन करके समझाता हूँ। देखिए दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पर हमारी गाड़ी का इंजन दिख रहा है। और चाहे कोई भी गाड़ी हो, K10 ही नहीं, कोई भी गाड़ी हो, आप उसको कितना भी चलाइए कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि गाड़ी के इंजन को कूल करने के लिए ऑलरेडी कूलिंग सिस्टम होता है। अब वेदर कंडीशन कोई भी हो, प्रॉब्लम हीटिंग की आती है दोस्तों गर्मी में, लेकिन वो भी तब आएगी जब आपकी गाड़ी का कूलिंग सिस्टम प्रॉपर काम नहीं कर रहा हो। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि आप कंटिन्यू कितना भी गाड़ी चला सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं होने वाली इंजन के साथ में। हाँ, लेकिन फिर भी गाड़ी के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कि ऑल्टो 800 या ऑल्टो K10 लॉन्ग रूट की गाड़ी नहीं है, यानी कि कंटिन्यू आप इसको ज़्यादा दूर तक चलाएंगे तो आपको थोड़ा सा थकान फील होने लग जाएगी। तो इंजन वाइज कोई भी इशू नहीं है, फिर भी जो है आप 200-150 किलोमीटर पे एक ब्रेक लें, इससे आपको भी थोड़ा सा रिलैक्स मिलेगा और इंजन भी थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा, यानी कि गाड़ी के इंजन को भी थोड़ा सा रिलैक्स मिलेगा। बाकी आप सोच रहे हैं कि कंटिन्यू इसको आप 500 किलोमीटर चला पाएंगे या नहीं चला पाएंगे, तो बिल्कुल चला सकते हैं। और मैंने एक दिन में कंटिन्यू गाड़ी को केवल आधे घंटे का ब्रेक लिया था, 580 किलोमीटर चलाया अपनी इस K10 को, और कोई भी दिक्कत नहीं आई। तो कहने का मतलब यही है, इंजन वाइज कोई इशू नहीं आने वाला, आप कितना भी चला सकते हैं, लेकिन अगर आप ब्रेक लेंगे तो फिर आपके लिए भी अच्छा होगा और गाड़ी के लिए भी अच्छा होगा, क्योंकि आपको भी थोड़ा सा आराम मिल जाएगा और इंजन भी थोड़ा ठंडा हो जाएगा। बाकी अगर आप सोचते हैं कि कोई दिक्कत आएगी, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं आने वाली हो, चाहे कोई भी वेदर कंडीशन हो, अगर आपकी गाड़ी का कूलिंग सिस्टम परफेक्ट है तो फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो अभी आपको इस क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा इस वीडियो के माध्यम से। उम्मीद है आपको जानकारी पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।